प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का कहना है कि कांग्रेस सरकार विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार विकास में विश्वास रखती है, वहीं विपक्ष की सरकार का कार्यकाल विकास के नाम पर बिल्कुल ठप रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मिनी सचिवालय समेत हर गांव तक स्कूल और सड़कें पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया है। डीडी न्यूज संवाददाता लक्ष्मी दत्त ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से खास बातचीत की है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, आज हम उनसे जानते हैं कि लोकसभा का आगाज हो चुका है, भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने किलेबंदी कर रहे हैं। शांडिल जी, किन मुद्दों को लेकर के जनता में जा रही? देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास विकास की ही बात करती है और विकास के ही लिए जो हमारी योजनाएं होती हैं वो बनती हैं। हम बातें तो कम करते हैं और शायद आप लोगों के मीडिया पे भी कम आते हैं, परंतु काम ज़्यादा करते हैं और वो आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे विकास को, तो जो हमारे किए हुए हमारी सरकार के कहीं भी का पहले आप देखेंगे और उनके जो 5 साल पिछला था उसमें देखेंगे, तो ये एक आपको कंपेरेटिव एनालिसिस मिलेगा कि हाँ, ऐसी कोई दो राय नहीं। एग्जाम्पल, मैं खुद मंत्री था और 463 करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम अपने सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने किए थे, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, चाहे हमारी आपका जो शांति बाई पास हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, तो डीसी ऑफिस हम लोगों ने लगभग 18 महीने में पूरा किया। इसी प्रकार से चाहे हमारे कोई भी चंबा घाट में जो शमशान घाट तक है, उन्होंने तो 60 लाख दिए ताकि वो उनको ठीक किया जाए। इसी सबके बहुत सी और चीज़ें दी जो हमारे स्कूलों में इंडोर स्टेडियम बनाए हम लोगों ने, पुलिस स्टेशन में थाने बनाए हम लोगों ने, PW रेस्ट हाउसेज बनाए। परंतु अगर आप देखो सोलन के क्षेत्र में 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के वक्त में किसी प्रकार का विकास नहीं, तो हम विकास के काम को ही लेकर लोगों में जाए। यहाँ तक कि जो 15 महीने का हमारा विकास का रिकॉर्ड है वो भी अपने में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हमारे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुके हैं और धीरे धीरे हम पूरे अपने जो 6 मेडिकल स्पेशलिस्ट से लेके सर्जन से लेके एनेस्थीसिया से लेके ऑस्टियोपैथ से लेके सबको वहाँ पर स्थापित करेंगे। और जो नज़दीक गाँव के जो दूर दूर का पास के इलाके हैं उनको एक अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं नज़दीक मिलेंगी, ऐसा हमारा मानना है। तो माननीय सुखिंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बहुत काम किया 15 महीने। शांडिल जी, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने कांग्रेस से पहले पहल करके अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया? चुनाव प्रचार तो चाहे 2 महीने के बजाय आप 4 महीने भी कर लें, लेकिन जो वास्तविकता है, जो विकास की जो महक है, जो विकास का सट ऑफ लोगों के जहन पे जो खाता है, वो तो ग्राउंड पे देखा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वास है कि जो हमारे साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, इस प्रकार का जो धोखा हुआ है कि 6 उदों को चले गए, उनमें से शायद ही कोई जीत पाए। ये 6 जाने का कारण क्या संगठन की कमी रही है? मैं मानता हूँ सच्ची बात बताएं आपको कि ये जो राजनीति में लोलुपता और जो लालच और जो स्वार्थ आ चुका है वो एक बेसिक कारण रहा है। ये थे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस अपना चारों की चारों सीटें जीतने वाली है, जबकि भाजपा 400 पार नहीं कर पाएगी। सोलन से दूरदर्शन के लिए लक्ष्मी दर्शन।